नमस्कार, मैं हूं कार्तिक अस्तनापुरी और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। तो कुछ दिन पहले BHU में एक संस्कृत के प्रोफेसर की नियुक्ति होती है और वो प्रोफेसर होते हैं मुसलमान। फिर छात्रों ने इसका विरोध किया। छात्र कहते हैं कि हमें आप संस्कृत पढ़ाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो धर्म विज्ञान पढ़ाएंगे, जो आप सनातन धर्म पढ़ाएंगे, वो आप कैसे पढ़ा सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ऋषि जी मौजूद हैं। तो सर से ये राय लेंगे कि आखिर जो छात्र विरोध कर रहे हैं वो जायज़ है या नहीं। सर, जायज़ है या नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा पर्सनली मानना है कि शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता है जी। और हम लोग या आप लोग भी पढ़े होंगे, हो सकता है कि कोई गुरुजी मुसलमान रहे होंगे जी। तो हम भी पैर छूते थे गुरुजी का जी। तो शिक्षा को धर्म से जोड़ना कहीं ना कहीं भारत के जो गंगा जमुना का जो तहजीब रहा है उसको, उसके छवि को चुनौती देने वाली मुझे लगती है। वो BHU का वो धरती, बनारस का वो धरती है जहाँ बिस्मिल्ला खां रमजान से पहले गंगा आरती किया करते थे। तो वहाँ के छात्रों को समझना चाहिए शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता है और शिक्षा को धर्म से जोड़ा जाना भी मैं गलत मानता हूँ। सर, छात्रों का कहना है कि उसमें जो धर्म शिक्षा की बात है, जिसमें सनातन धर्म पढ़ाने की बात आएगी, तब एक मुसलमान कैसे पढ़ा सकता है सनातन धर्म? मैं पहले ही आपको कहा है शिक्षा कोई धर्म नहीं होता है। वहाँ का चांसलर और वाइस चांसलर ने भी जो है जो प्रोफेसर साहब का सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि छात्रों को समझना चाहिए, छात्रों का अधिकार है। देखिए, इस बात से भी मैं गुरेज नहीं करता, छात्रों का अधिकार है अपने अपने बातों को रखना, लेकिन भारत जो है संविधान से चलती है और संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई एक मुसलमान है संस्कृत नहीं पढ़ा सकता या कोई हिंदू है जो उर्दू नहीं पढ़ा सकता है। यदि इस प्रकार के उस साइड से भी अपोज होता है कोई हिंदू उर्दू नहीं पढ़ा सकता, वो भी गलत है। और इस साइड से भी होता है कि कोई मुसलमान संस्कृत नहीं पढ़ा सकता, वो भी गलत है। ये गंगा जमुना तहजीब की देश है। आपको याद होगा, मैं पहले भी कहूँ, बिस्मिल्ला खां जैसे लोग हैं जिसको सैल्यूट करने की जरूरत है। आज नया एग्जाम्पल आपको बताऊँ, इकबाल अंसारी अयोध्या पे जो डिसीजन आया है, कई जो ऐसे लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं वो रिव्यू पिटीशन दायर करना कर रहे हैं। लेकिन इकबाल अंसारी ने क्या कहा है, जो पक्षकार हैं उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट का डिसीजन है वो मान्य है। तो हमारे देश में इकबाल अंसारी, बिस्मिल्ला खां, अब्दुल कलाम जैसे लोग रहे हैं। तो इस देश में शिक्षा को धर्म से जोड़ना बिल्कुल बेतुका बात है। मैं कहता हूं, आप भी युवा हैं, यहां पे कई युवा हैं, यदि आपको शिक्षा को बढ़ाना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जीडीपी का 2.8% ही शिक्षा पे खर्च होता है। आपको शिक्षा को बढ़ावा ही देना है तो शिक्षा का जो GDP का 10% आप शिक्षा पे खर्च कीजिए, GDP का 10% से 12% आप स्वास्थ्य पे खर्च कीजिए। ये शिक्षा के लिए, शिक्षा को मजबूत करने के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए एक बड़ा कदम होगा। एक कौन पढ़ा रहा है, हिंदू पढ़ा रहा है या मुसलमान पढ़ा रहा है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। सर, आपने कहा शिक्षा में कोई धर्म नहीं देखना चाहिए, लेकिन वहाँ के छात्रों का कहना है यदि किसी व्यक्ति को उर्दू आती है तो उसे मदरसे में क्यों नहीं आप पढ़ाने देते? देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ कि यदि मदरसों में यदि हिंदू पढ़ाते हैं उसका भी अपोज नहीं होना चाहिए। इसका शिक्षा को धर्म से कनेक्ट मत कीजिए। मैं बार बार अभी News 18 पे भी कहा हूँ कि यदि रियली में आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रोपोर्शन देखिए, कितने बच्चे पे कितने प्रोफेसर हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिए कितने पद खाली हैं, JNU में देख लीजिए। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं आपको कहूँगा तो आप दुख बहुत अपने आप को आप कहेंगे कि हम लोग कहाँ पे हैं, शिक्षा की क्या बात कर रहे हैं। एम फिल में एक बच्चा 2014 में इनरोल होता है एक साल के कोर्स में, 2019 बीतने को है, एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। तो उस पर काम करने की जरूरत है। मैं ये प्रहार नहीं कर रहा हूँ कि इसके लिए BJP दोषी है, कांग्रेस दोषी है, हम सब दोषी हैं। यदि हम आज शिक्षा को चुनावी मुद्दा बनाएं, प्रदूषण को चुनावी मुद्दा बनाएं, तो हमारे जो सियासतदान हैं मजबूर होके ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान छोड़ के इन मुद्दों पे फोकस करेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी को इससे मजबूती मिलेगा। आज समझिए, यदि मेरा कोई बेटा है या मेरा कोई छोटा भाई है बेरोजगार है, वो मुद्दा है। आज बहुत से मुसलमान होंगे, बहुत से हिंदू होंगे कि रात में आज रोटी नसीब नहीं होगा। मैं एक बात कहते हुए खत्म करना चाहूंगा कि गुजरात में एक संतोषी देवी नाम की लड़की थी, मैं एक कविता उस पर लिखा हूँ, वह बिना खाए 5 दिन भूखे मर गई थी, भात भात कहते कहते भूख से मर गई संतोषी। वो पगले तू क्या जाने, सियासतदानों को लिख रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो या BJP, वो पगले तू क्या जाने भूख की कीमत क्या होती।
भूख को पहचानिए, शिक्षा को पहचानिए, बेरोजगारी को पहचानिए। ये कोई मसला नहीं है कि कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन हिंदू पढ़ा रहा है, मुसलमान पढ़ा रहा है। शिक्षा को धर्म से मत जोड़िए। आपका पहल बहुत अच्छा है, आप लोगों को मुबारकबाद, और ऐसे इशू को उठाते रहिए ताकि जनता को ये मैसेज जाए कि धर्म नहीं, सबसे बड़ा जो धर्म है बेरोजगारी दूर करना, सबसे बड़ा धर्म है शिक्षा को प्रसार करना, सबसे बड़ा धर्म है कि गरीबों को स्वास्थ्य का फंडामेंटल जो अधिकार है वो देना। ये नहीं है कि कौन हिंदू पढ़ा रहा है, कौन मुसलमान पढ़ा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।